हमेशा मेरी कमर दर्द करने लग गई, क्लोज क्वेश्चन रिस्पोंडिंग टू शो इंटरेस्ट। जैसे हम बीच बीच में कहते ना, अपने राजस्थान में कहते हैं हुंकारा भरना, आप हुंकारा भरते हैं, अच्छा हूं जैसे ना, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ सुन रहा है मेरी बात, ठीक है, रिस्पोंडिंग, रिफ्लेक्टिंग बैक। छोटा सा जैसे जैसे अच्छा आपको ऐसा लगता है, अच्छा ये कब हुआ टाइप की बात है, रिफ्लेक्टिंग बैक। एम्पैथाइजिंग, एम्पैथाइजिंग में आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, सिंपैथाइज नहीं कर रहे आप दुख प्रकट नहीं कर रहे, आप ये नहीं कहते ये तो मेरे साथ हुआ था, ऐसे नहीं कह रहे आप उसके साथ उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। एंड अवॉइडिंग जजिंग वर्ड, जजिंग वर्ड्स का मतलब आप कोई सर्टिफिकेट, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, क्या ये तुम गलत कर रहे, क्या ये अच्छा कर रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स को नहीं यूज करना है। तो ये इसमें लिसनिंग लर्निंग स्किल्स में आता है। हिस्ट्री टेकिंग में कि बच्चा कैसे दूध पी रहा है ये पूछना है, बच्चे के हेल्थ के बारे में, बिहेवियर के बारे में, ये जरूरी हो जाता है आजकल के जमाने में, जबकि हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज है तो केवल मियां बीवी दो ही, घर में सपोर्ट नहीं है, पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, बाकी लोग होते थे, तो ज्यादा सपोर्ट मिलता था माँ को। नहीं करते अगर वो गलत भी कर रही है तो आप उसको उसको रिजेक्ट नहीं करते, उसको रिजेक्ट नहीं करते, आप उसको इंप्रेशन को इकट्ठी करते, अगर वो कुछ ठीक कर रही है तो उसकी आपको प्रशंसा करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए माँ आती है आपके पास में और कहती है कि मैं तो अपना दूध पिला लूँ लेकिन इसका तो मुझे लगता है कि वजन ही कम पड़ा है, तो आप प्रशंसा क्या करेंगे उसकी, आप ये काम तो अच्छा बढ़िया हुआ कि भी आप इसको अपना दूध पिला रही, वजन का भी मशीन में करके देख लेते कितना है ना, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एटमोसफियर बनाने की प्रैक्टिकल हेल्प। जैसे आपने उस फोटोग्राफ में देखा होगा कि वो जो हेल्थ वर्कर थी वो माँ को बैठ के और कैसे अटैच करना वो सिखा रही थी, वो प्रैक्टिकल हेल्प है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन में देखा कि इसका अटैचमेंट ठीक नहीं है, वो वुड अटैचमेंट पे नहीं है, तो प्रैक्टिकल हेल्प है कि आप उसको बताएं कि आपके बच्चे को कैसे पकड़ना है, कैसे उसको अटैच करना है, फिर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसे नहीं है कि आपने हेड टू हेड सारी चीज़ें बतानी है कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग से तो ये इतने फायदे हैं, ये है वो है, इतना पैसा बचेगा, ये वो, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन आप उसको बताएं। सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, आप ऐसे नहीं कह सकते अरे तुम बच्चे को सकलिंग कराओगी तो एक इम्पल्स ऊपर जाएगी, फिर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन सीक्रेट होगा, फिर वो ब्रेस्ट में आएगा, फिर ब्रेस्ट मिल्क बनेगा, फिर दूसरे हॉर्मोन ऑक्सीटोसिन से लेट डाउन रिफ्लेक्स होगा, हो सकता है कि नाश हो जाए। तो आपको ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा कि भी उसको ठीक से समझ आए कि हाँ ये मैकेनिज्म है कि अगर मैं सकलिंग ज्यादा, अगर बच्चे को अपनी छाती में ज्यादा बार लगाऊंगी, ज्यादा देर के लिए लगाऊंगी तो मेरा दूध ज्यादा बनेगा, इस तरह का कोई केमिकल एक बनता है जिससे कि दूध बनता है मेरा, और उसको केमिकल को बनाने का बॉडी में बनाने का एक ही तरीका है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपनी छाती से लगाया जाए। तो इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड देन मेक वन और टू सजेशन, ऐसे नहीं कि पूरी लिस्ट कर दिया आपने, उस टाइम जो रिलेवेंट है वो एक दो बातें सजेशन के रूप में आप बताएं। तो ये बेसिकली जो जो भी दूध है आपको भी थोड़ा मिलेगा उसमें से, तो आपकी सीएलएमसी अच्छी चलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग की बहुत बहुत आवश्यकता है, अगर उनको सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड करना है या सीएलएमसी के लिए मिल देना है, और बहुत सारे गाइडलाइंस पॉलिसीज, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान बहुत है लेकिन उसको हमें धरातल पर उतारने की आवश्यकता है, ठीक है। धरातल पर कौन उतारेगा, हम ही लोग उतारेंगे, जो हम जो जनता के बीच में काम करते हैं हम ही लोगों को इसमें आगे आना होगा और इसको कार्य को करना होगा। और करेंगे कैसे, ये हमारे प्रदीप जी, हमें अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, अपनी स्किल्स बढ़ानी होगी प्रदीप जी, अगर कोई ट्रेनिंग अवेलेबल है तो उस ट्रेनिंग को हमें करना होगा, सीनियर कंसल्टेंट अच्छे से माँ की सहायता कर सके, उसको सपोर्ट कर सके। मैं बस ये रुकना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच।